हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूँ दिवेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, देखेंगे कहाँ पे एंट्री कर सकता है। तो आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल मैंने 4 आवर्स चार्ट लिया, तो यहाँ से देख सकते हैं क्रूड ऑयल यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बना के जा रहा था, लेकिन अभी देख सकते हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल लोअर हायर हाई बना रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर लो लोअर हाई, राइट। तो अभी देख सकते हैं एक हायर पॉइंट बनाया, तो यहाँ से क्या ये जो एरिया है ये रेजिस्टेंस मैंने आपको कल ही बताया, और मार्केट एक रेंज में चल रहा है। आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज, राइट। तो इसमें जस्ट मिनट मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये है मेजर मेजर रेंज, तो ये रेंज में मार्केट जा रहा है, राइट। और ये प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे जाने के लिए, तो इसमें इन इन बिटवीन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा रेंज में आ रहा था मार्केट लोअर लो लोअर हाई बना के, तो अभी देख सकते हैं ये हायर हाई बना के जा रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस मिला हमें, तो यहाँ से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट कर सकते हैं मेरे हिसाब से, जैसे आपको कल मैंने ड्रॉ करके दिखाया था। तो रिट्रेसमेंट करके फिर से ये मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है, तो यहाँ पे अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं किया तो अगर कंटिन्यू किया तो इसका ऊपर जैसे 4140 का ऊपर ही आप बाय में जा सकता है, क्योंकि यहाँ से रिट्रेस कर सकता है मार्केट, राइट। तो अगर यहाँ से रिट्रेस करके न्यू क्रिएट कर दिया तो ये फिर से एक रेंज में आ जाएगा, ये वाला रेंज में। तो देखेंगे इसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन आप एंटी कहाँ पे हो सकता है आज वो देखेंगे, क्योंकि ये एक हमें रेजिस्टेंस मिला, यहाँ से रिट्रेस थोड़ा बहुत हो सकता है, राइट। तो इसलिए हम देखेंगे छोटा टाइम फ्रेम में कहाँ पे एंटी कर सकता है, कौन सा डायरेक्शन में। तो छोटा टाइम फ्रेम 15 मिनट में भी आप देख सकते हैं, 15 मिनट में देखेंगे तो मार्केट अभी ये मूविंग एवरेज 20 से बाउंस हो रहा है, राइट। तो आप देख सकते हैं मूविंग एवरेज 20 से बाउंस हो रहा है, राइट। यहाँ 20 से बाउंस हो रहा है, तो मुझे लगता है फिर से 20 का आसपास आ सकता है। अगर 20 का आसपास आ सकता है तो यहाँ पे फिर से हम एंट्री करेंगे, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।